हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे ग्राफ के कुछ क्वेश्चन। क्लास 9 का चैप्टर है मोशन। इसके देखेंगे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ग्राफ से किसी चीज़ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है, समझने पे सिंपल है। इसको ग्राफ को बहुत ध्यान से समझना है कैसे होगा, तो देखिए आइए हम समझते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम अज्यूम कर लिया टी, और यहाँ का डिस्टेंस वाई एक्सिस पे मैंने डिस्टेंस अज्यूम कर लिया टी। तो हमको जो टाइम और डिस्टेंस में जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो इस तरह प्लॉट है, ये वाला लाइन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए हम इस पॉइंट पर लेते हैं तो टाइम कितना होगा, ये है और ये, सब कुछ ये टू है और ये भी टू है। ये डिस्टेंस यहाँ बढ़ते हैं तो ये फोर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा फोर। जितना समय है उतना ही डिस्टेंस है, यानी चेंज इन पोजिशन अपन में चेंज इन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड होगा। स्पीड का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्टेंस अपन में टाइम जैसे जैसे चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉन्स्टेंट स्पीड से चेंज हो रहा है, उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म। तो ये होगा यूनिफॉर्म कर्व। ऐसे कोई भी लाइन दिया रहेगा तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म डिस्टेंस और टाइम है, तो यूनिफॉर्म स्पीड बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड ग्राफ में सेम वही कंडीशन, यहाँ पे टाइम दिया, यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, लेकिन ये जो लाइन है टाइम के इस एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब क्या होता है, ये ग्राफ क्या इंडिकेट करता है? तो इस ग्राफ को समझने के लिए देखिए, अगर डिस्टेंस यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, मान लो सपोज करें कि ये 10 है, ये डिस्टेंस 10 है, यहाँ पे आएंगे तो डिस्टेंस चेंज हुआ नहीं, डिस्टेंस उतना ही है, 10 ही है। तो कहीं भी जा रहे हैं इस ग्राफ पे तो डिस्टेंस सेम है, लेकिन टाइम देखिए क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ा। तो सपोज करें कि यहाँ हम खड़े हैं एक घंटे से, लेकिन डिस्टेंस हमारा चेंज नहीं हुआ। एक घंटे बाद आएंगे तो यहीं पे हम मिल रहे हैं, तो डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ लेकिन टाइम चेंज हो गया। इसका मतलब कि हम क्या है, रेस्ट के कंडीशन में है। ये ग्राफ इंडिकेट क्या करेगा, ये वाला क्या इंडिकेट करेगा कि बॉडी एट रेस्ट, रेस्ट पर है, मतलब कि नॉट मूवमेंट। थर्ड कह रहा है कि ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, दोनों का ग्राफ है। इसमें देखिए यहाँ पे जो लाइन है कुछ छोड़कर यहाँ से इंडिकेट किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, इनिशियल टाइम टी पर टी अगर जीरो है, यहाँ पे टाइम टी का एक ग्राफ है, ये वेलोसिटी का है लाइन। तो टी पर यहाँ पे जब टी इक्वल टू जीरो था तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, यहाँ है ई बराबर यून, मान लीजिए टेन मीटर पर सेकेंड। तो टी बराबर जीरो पर कुछ वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पे फिर देखिए यूनिफॉर्म, मतलब ये बढ़ने के साथ दोनों बढ़ रहा है। तो बॉडी मूविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है। तब वेलोसिटी अपन में टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। डिस्टेंस अपन में टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी अपन में टाइम है, यूनिफॉर्म आ गया, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इस वजह से क्योंकि वेलोसिटी अपन में टाइम है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। देखिए यहाँ से अगर स्टार्ट होगा तो ये जीरो होगा, लेकिन यहाँ से स्टार्ट ना होके कुछ वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इसका मतलब इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी मूविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, ठीक है। फोर्थ ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्थ में देखिए वेलोसिटी है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे टाइम है, एक्स है वाई है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह है, यहाँ से लाइन ऐसे जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में सपोज करके मैंने अज्यूम किया 40 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी। तो यहाँ से जब नीचे जाएगा तो मतलब ग्राफ से नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग विथ टाइम, टाइम जब बढ़ रहा है टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मींस वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। उस एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होना। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, यहाँ पे वेलोसिटी है टाइम है, वही सेम ये सेकेंड वाला कंडीशन जैसे देखिए यहाँ पे है। इसका मतलब क्या होगा, ये ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है यहाँ से यहाँ जाने में कहीं वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, और टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी टाइम में जो रिलेशन होता है वो किसके फॉर्म में होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम को क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन।
वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है, या कांस्टेंट को ही हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब यहाँ वेलोसिटी है ऐसे लाइन है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे आके देखिए डिस्टेंस है तो बॉडी एट रेस्ट। अब नेक्स्ट है कुछ और भी ग्राफ है जो पॉसिबल नहीं है, मतलब कि इम्पॉसिबल ग्राफ है। हम देखेंगे कैसे वो इम्पॉसिबल ग्राफ है। तो सबसे पहले तीन तो मैं यहाँ ग्राफ दिखा रहा हूँ, इसको समझेंगे। और फिफ्थ नंबर इसको मैंने सिक्स नंबर दे दिया, सिक्स सेवन और एट। सिक्स नंबर ग्राफ को देखते हैं। सपोज करिए आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये टाइम गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टी फॉर टाइम, डी फॉर डिस्टेंस। तो ये टाइम और डिस्टेंस में ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे इस तरह ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला। मतलब देखिए एक ही ये टाइम सपोज करिए टी बराबर 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड पर ये पोजीशन वहां भी है और यहाँ भी है, मतलब कि एक समय पे दो दो पोजीशन, ये पॉसिबल है नहीं है। आप एक समय पर घर पे भी और स्कूल में रह सकते हैं नहीं, या स्कूल में रहेंगे या तो घर पे रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ग्राफ क्या बता रहा है कि एक ही समय पे वो तुम्हारा दो जगह है, एक आदमी एक समय पे दो जगह कभी रह नहीं सकता, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेवन। यहाँ पे देखिए ग्राफ कुछ इस तरह दिया गया है, किसके किसके बीच में, डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस जब घटेगा तो टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे, बढ़ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है एक ग्राफ देखिए, वेलोसिटी और टाइम में, टी फॉर टाइम और वी फॉर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और टाइम में ये ग्राफ दिया गया ऐसे, मतलब कि अगर सपोज करिए वाई एक्सिस लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस यानी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की ये ग्राफ क्या है, ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो इनफाइनाइट वेलोसिटी एट अ टाइम, एक ही समय पर इनफाइनाइट वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा एक ही समय पर बहुत सारा वेलोसिटी नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल ग्राफ है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये ग्राफ इस तरह कहीं दिखे इम्पॉसिबल, इस तरह दिखे इम्पॉसिबल, ये भी इम्पॉसिबल, ये तीन इम्पॉसिबल ग्राफ रिप्रेजेंट किए। और इधर जो हमने दिखाया ये पॉसिबल ग्राफ है, बहुत ही सिंपल है, मैंने बता चुका हूँ, तो इसको आप इजीली देख के समझ सकते हैं। ये ग्राफ ऐसे अगर जा रहा है, देखिए इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या डिफरेंट है, यहाँ जीरो से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ कुछ वेलोसिटी इसको स्टार्टिंग मिला है, वहां से स्टार्ट कर रहा है। ये क्या है, कांस्टेंट मूव करेगा, ये भी होएगा कांस्टेंट। यहाँ वेलोसिटी है तो कांस्टेंट वेलोसिटी, यहाँ डिस्टेंस है तो कांस्टेंट बॉडी एट रेस्ट, यानी मूवमेंट नहीं होगा। और यहाँ पे है वेलोसिटी नीचे जा रहा है, यानी कि डिक्रीज कर रहा है, इस वजह से हम इसको एक्सेलरेशन नेगेटिव बोलेंगे। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो हम उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। तो ये आपका कुछ बेसिक ग्राफ था जो मैंने क्लियर कर दिया। ओके, थैंक यू।